आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि जो आप कपड़े पहनते हैं उसकी मेजरमेंट क्या है, उसकी नाप क्या है। क्योंकि होता ऐसा है कि अगर आप किसी मॉल या फिर दुकान में जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो आपको एक समस्या जरूर होती होगी कि आखिर आपके पैंट या शर्ट का मेजरमेंट क्या है, नाप क्या है। तो आपको उसी हिसाब से बताना होगा अपने माप जिस हिसाब से कपड़ों में होती है। तो मैंने मैक्सिमम कपड़ों में ऐसे देखे हैं, पहले तो काउंटिंग नंबर के अकॉर्डिंग होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल में इसे शॉर्ट फॉर्म में सजा दिया गया है, जो कि अभी लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है ऐसे मेजरमेंट या ऐसे नाप या फिर मॉल या दुकान में कपड़े को चूज़ करने के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि आखिर ये कपड़े की जो माप होती है, साइज़ होती है, उसको चूज़ करने के लिए ये जो कुछ मेजरमेंट के नेम्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आखिर ये मेजरमेंट के कौन कौन से नेम हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ कि इसके मेजरमेंट शर्ट या टी शर्ट के बारे में। तो XS होता है, M होता है, L होता है, XL होता है, XXL होता है, XXXL होता है, ये सारी कपड़े की मेजरमेंट हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि XS का मतलब क्या होता है। तो XX का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज। अब जानते हैं S का मतलब क्या होता है। तो S का मतलब होता है स्मॉल साइज, M तो M का मतलब होता है मीडियम साइज, L का लॉन्ग साइज, XL का एक्स्ट्रा लॉन्ग साइज, XXL का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लॉन्ग साइज, और XXXL का मतलब होता है एक्स्ट्रा 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 लॉन्ग साइज। तो ये मैंने कपड़ों के मेजरमेंट के बारे में बताया। अब जानते हैं कि आखिर ये कपड़े जो XS हैं ये कितने इंचज़ में होते हैं, क्या साइज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले कि आखिर XS का क्या होता है। तो XS का 34 इंचेस होते हैं, ये शर्ट या टी शर्ट के बारे में आप ध्यान रखेंगे। S का 36 इंचेस होते हैं, M का 38 इंचेस होते हैं, L 40 इंचेस, XL 42, XXL 44 इंचेस, XXXL 46 इंचेस होते हैं। उम्मीद है कि इतने सारे साइज में आपको कोई ना कोई क्लॉथ या कपड़ा तो साइज में आएगा ही। आई होप, थैंक यू। तो ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों को शायद होती होगी या फिर नहीं भी, और आगे चल के ऐसा प्रॉब्लम हो भी ना, इसीलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। इसलिए मैंने सोचा, जाना चाहा भी कि चलो मैं एक वीडियो बनाकर लोगों को बता दूँ। शायद ये चीज़ें रिक्वायरमेंट भी है। वीडियो सही लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू।